ये मेरे पास iPhone 14 Pro जिसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर मिलता है, और दूसरी तरफ है मेरे पास Redmi Note 7 Pro जो 2019 मार्च 18 ये कह सकता हूं सस्ते प्राइसिंग के अंदर, जो कि आपको ये बड़े बड़े मेगापिक्सल वाले नंबर है ना, ये डिवाइस आपको लेके आया था। आज की वीडियो में दोनों का कंपैरिजन आपको करके दिखाता हूं किसका 48 मेगापिक्सल आपको ज्यादा दमदार देखने के लिए मिलता है। ये दोनों ही फोन के मेन कैमरा सेंसर से जो नॉर्मल 12 मेगापिक्सल मोड में खींची हुई पिक्चर है। यहाँ पे अगर मैं आईफोन की आपको सेटिंग में दिखाऊं तो 1.2 MB की यहाँ पे आपको इमेज देखने को मिलेगी, वहीं अगर मैं Redmi में दिखाऊं तो इसका साइज आपको 5.52 MB देखने को मिलेगा। वहीं पे ये दोनों ही मैंने रॉ मोड यानी 48 मेगापिक्सल मोड में क्लिक करी हुई पिक्चर है। इसमें Redmi का साइज 20.93 MB देखने को मिलता है, वहीं iPhone का 62.6 MB देखने को मिलेगा। अगर मैं ज़ूम करके दोनों में ही आपको दिखाऊं तो भाई दोनों ही काफी अच्छा खरा उतरते हैं अपने 48 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर के साथ। दोनों में ही काफी दमदार डिटेल्स मिलेगी। एक और 48 मेगापिक्सल वाली पिक देखोगे तो यहां पर भी यार डिटेल्स देखो iPhone के बराबर ही Redmi में देखने को मिलती है।